अतर साहब, आप ये सुन रहे हैं कि ये जो टाइम इतना दिया गया इमरान खान साहब की जानिब से, और इस पे एक और भी सप्लीमेंट्री सवाल भी ले लीजिए कि भाई खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तो मौजूद है ना, उसको तो तोड़ दें आज। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल जिस तरह मुनीर साहब ने कहा और मैं उनसे 100% एग्री करता हूं कि बुनियादी मकसद क्या था, बुनियादी मकसद ये था कि इमरान खान की हुकूमत बचानी है। और हुकूमत क्यों बचानी है, उसके पीछे वो बुनियादी खौफ है, वो खौफ है इलेक्शन का। ये इलेक्शन से इतने खौफ ज्यादा है कि ये इमरान खान की हुकूमत बचाने के लिए सर धड़ की इन्होंने बाजी लगा दी। दूसरी बात ये है कि परवेज अलाई को जिस वक्त डी नोटिफाई किया गया, उसके साथ ही हमजा साहब को कहा गया कि आप पहुंचे। सुबह से इनके जो है वो राणा मशहूर साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी कौम को खुशखबरी सुनाई कि हमजा साहब हमारे अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। और हमजा साहब ने तो मुझे पता चला है कि उन्होंने दो नए बटन भी लगवाए शेरवानी में, लेकिन उस सारे असना में चौधरी परवेज अलाई साहब का वो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया अदालत ने। अब हर कोई इसको अपनी अपनी नजर से देखता है, लेकिन मुझे तो यही लग रहा है कि चौधरी परवेज अलाई साहब को उन्होंने उतारा और जिस तरीके से वो नोटिफिकेशन जारी करवाया गया मंसूर भाई, अब उसके ऊपर भी बड़ा सवालिया निशान है कि चीफ सेक्रेटरी को कमरे में मुबैना तौर पर बंद किया गया। पीटीआई वाले बड़े संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, तो ये मामला भी अब क्लियर होने की जरूरत है कि किसने क्या किरदार। ये पीटीआई ने इल्जाम लगाया है कि चीफ सेक्रेटरी को कमरे में बंद, अब्दुल्ला सुंबल की बात करें, उनको कमरे में बंद कर दिया गया था। जी जी, ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फवाद चौधरी साहब ने, फरक हबीब साहब ने बताया कि उनको कुछ मौजूद शख्सियात ने कमरे में बंद करके कुंडी लगा दी और गन पॉइंट के ऊपर ये नोटिफिकेशन जारी करवाया गया। अब किसकी तरफ उनका ये इशारा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये उन्होंने बाकायदा तौर पर यह मसला उठाया है, मुबैना तौर पर यह हरकत हुई। अब चीफ सेक्रेटरी साहब खुद ही आके इसकी वजाहत कर सकते हैं या फिर कोई अगर तहकीकात हो तो पता चलेगा।